स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मौर्य और आप देख रहे हैं हमारी स्मार्ट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले मैं एक दिन से यहाँ पे नदिया के पार शूटिंग लोकेशन बना रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड फिर से आई थी कि श्री रामचंद्र सिंह जी का फिर से घर का वीडियो बनाइए। तो मैं घर का वीडियो बनाने वाला हूँ। और पिछले घर की बात करें तो वो वाला जो आप देख रहे हो गिरा टाइप में है मिट्टी का, वो पहले वाला घर था, लेकिन अब न्यू घर आपको दिखाने वाला हूँ। न्यू घर की बात करें तो ये वाला वाइट वाइट देख रहे हो, इसमें पुट्टी वगैरह और पुताई अच्छी तरीके से हो गई। ये वाला है घर न्यू वाला, तो अभी दिखाते हैं, वहाँ पे चल के दिखाते हैं क्या कैसा क्या है। आप देख सकते हो ये है श्री राम जनक सिंह जी का घर, जो राजश्री प्रोडक्शन के मैनेजर थे। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डेंटिंग पेंटिंग भी हो चुकी है इस घर की। सो गाइज, आप देख सकते हो जो श्री राम जनक सिंह जी का घर है, आप देख सकते हो वहाँ से लेकर इधर इधर वहाँ उधर पीछे तक बना हुआ है। ये टंकी भी उन्हीं के घर पे रखी हुई है। तो सामने गेट पे चलते हैं, फिर देखते हैं। और घर के पास आप देखिए, ये देखिए गेहूं की खेती भी हो रही है। ये इधर है मोहल्ला इनका, अब मोहल्ले में देख सकते हो इधर इस टाइप से। सो गाइज, आप देख सकते हो ये वाला घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है तो और भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है। पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इतना मतलब सुंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब जो है काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग हो गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी बड़ा भी है यार, वहाँ से लेके वहाँ तक। सो गाइज, आप देख सकते हो ये है इनके छत पे जाने का सीढ़ियाँ, बाहर से लगा हुआ है। और ये देखिए पेड़, और इधर आप देखिए ये है एंट्री गेट यहाँ से। और देखते हैं कोई घर पे मिलता तो देखते हैं यार। पिछली बार आया था तो बाहर से ही शूट कर ले गया था, लेकिन इस बार कोशिश होगी कि अंदर का भी थोड़ा बहुत दिखाया जाए। और यहाँ से देखो तो मेन गेट। सो दोस्तों, ये देखिए यहाँ से वो देखिए वहाँ से घर है, और ये है इनका एंट्री गेट, और ऊपर से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये देखिए घर के अंदर आम का पेड़, इधर भी इधर भी, और ये घर आप देख सकते हो इधर पूरा। और इनके बगल में एक घर बना हुआ है, यहाँ पे देखिए गाय भी बंधी हुई है। ये आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर सामने का आप देख सकते हो, इनके घर के सामने का जो रोड है वो इतना सकरा आया हुआ है। और इधर भी आप देख सकते हो ये वाला, ये देखिए। फ़िलहाल सभी लोग तो मुंबई में रहते हैं, अभी एक भैया जो हैं वो रहते हैं यहाँ पे, देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो ये है घर, घर में ये आम का बगीचा, और ये बाहर से थोड़ा देख सकते हो ये वाला घर। तो फाइनली भैया जी अभी मिले नहीं हैं, और जो उनके छोटे भाई थे उनसे बात हो गई है। तो भैया जी अब पता नहीं कहाँ हैं, फाइनली जौनपुर में रहने लगे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, फिर उसी तरीके से व्लॉग हो गया। तो आप देख सकते हो ये घर है उनका, हमारे जो राजश्री प्रोडक्शन के मैनेजर थे श्री रामचंद्र सिंह जी का। तो घर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत घर बना हुआ अंदर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे गाय बंधी हुई हैं, सामने से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इधर खाट पड़ी हुई है, अगर आप लेटना चाहते हो तो लेट भी सकते हो। यह एंट्री गेट, और घर में आप देख सकते हो ये नल लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक पेड़ लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत। और ये देखिए हम फाइनली आ ही गए उस घर के अंदर। और ये देखिए इधर थोड़ा बना हुआ है, बाहर से आप देखिए ये टाइल्स वगैरह लगी। नहीं, हम बचपन से हैं। अच्छा, बचपन से कि जॉब की वजह से यहाँ पे हैं? नहीं नहीं, बचपन से हैं, अपना पढ़ाई लिखाई। अच्छा, और विनोद भाई जी जो हैं वो तो वहीं पर रहते हैं, वहीं काम भी करते हैं, बोल रहे थे। अच्छा, तो वही आए थे थोड़ा मतलब नदिया के पार फिल्म पूरी बनी हुई थी, आपके पिताजी ने यहाँ पे मतलब शूट करवाया था, तो वही जो है हम कहें देखें चलो बात कर लेते हैं इधर। तो हम लौट गए थे, अगली बार आए थे तो बाहर से बना लिया था ऐसे। हाँ, और बिना परमिशन हम कभी बनाते नहीं, परमिशन लेना ज़रूरी होता है। घर भी बनवाए हैं। हाँ, ये मतलब पहले ये पुट्टी प्लास्टर ये कुछ नहीं था जब आए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल चमक गया। तो दादाजी बोल रहे थे कि आप जौनपुर में भी रहने लगे हैं। बीच में थे। अच्छा 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 अच्छा, बीच में थे, अब 3 साल से थे। अच्छा अच्छा, आपके पांच भाई लोग हैं, आप लोग आप तीसरे नंबर पे। अच्छा, फिल्म में जाने का मन नहीं हुआ? नहीं, हम लोग बचपन से ही थे ना। अच्छा, पिताजी थे ही। हिजाब भी मिल गया, अध्यापक हो गया। हाँ, तो चूँकि जैसा था कि सब लोग बाहर थे। हाँ, तो
पुराना मजबूरी में फंस गए बस और क्या, वरना सभी लोग तो मुंबई में रहते हैं। और आपके गांव में जितने भी लोग हैं, अधिकतर जितने युवा लोग हैं सब लोग मुंबई में ही रहते हैं अधिकतर। और जो यहाँ पे दादा लोग हैं, दादाजी से पूछो तो जब फिल्म शूट हुई थी तो दादाजी बता रहे हम मुंबई में थे। मतलब अब वो लोग जितने पहले मुंबई में रहते थे वो अब गांव में शिफ्ट हो गए हैं। और अच्छा, उसके बाद जो पिताजी आपके थे उसके बाद कोई लोग उसमें काम नहीं करता प्रोडक्शन का जैसे? अच्छा अलग अलग बहुत प्राइवेट जानते हैं। हाँ अच्छा, उसमें सब लोग जाने कोई बात नहीं। लेकिन आपके पिताजी भाई वो शुरुआत से हाँ वहीं रह गए। और हमारे वही एक लोग थे रिश्तेदार थे। अच्छा हाँ, हमारे पिताजी की बुआ के लड़के थे वो दोनों लोग गए। अच्छा, आपके पिताजी मतलब बचपन से कैसे मतलब क्या हुआ? बचपन से नहीं, जैसे 70-80 ईयर। अच्छा, मतलब कि एक गांव से एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे बहुत मतलब अब समझ लीजिए उन्हीं के नाते यहाँ हो गई सिटी में। हाँ हाँ, वरना कहाँ यहाँ कहाँ आते उस जमाने में कोई आ सकता नहीं। हाँ, कभी आप लोगों ने फिल्मों में नहीं ट्राई किया क्या? नहीं, कभी जाने का मन नहीं हुआ? और भी कोई घर में है आपके? कोई नहीं, सिर्फ आपके पिताजी। हाँ, वो कब गए थे यहाँ से? अरे 17 वर्ष के थे। सो गाइस, आप देख सकते हो ये है घर, और ये देखिए यहाँ पे घर बना हुआ काफ़ी खूबसूरत। और ये आप देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ। अच्छा, सबका एक में था? हाँ, बहुत बड़ा परिवार। बटा अब अलग हुआ है, ये मकान बना, सब घर बना, पीछे बना। अच्छा, ये आप ही के परिवार से सब लोग हैं? अच्छा, आप आए। अच्छा, आपका उधर वो जो गिरा पड़ा है वो भी कहते हैं? वही पुराना मकान। अच्छा, वही वाला पुराना था आपकी है वो? सब लोगों की। अच्छा, उसमें सब लोगों का है, सब पुराना वो मकान सब लोगों का है। वहाँ पे कहाँ पे घर है आपका? मुंबई में? जोगेश्वरी में। जोगेश्वरी। अच्छा, तो फिल्मों में कभी नहीं ट्राई आपने किया? और लोग यहाँ पे मतलब फिल्मों में जाने के लिए प्रैक्टिस करते ही रहते करते ही रहते जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे आपके घर का ही हो गया कोई? हाँ, अक्सर हमने देखा है कि मतलब जो मतलब इस लाइन में होता है परिवार से बहुत कम ही लोग जाते हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन लेकिन आपके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छा। पहले से लोगों को जैसे जानकारी है के बारे में तो बताने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं अपना। पहली बार बहुत बहुत अनलिमिटेड बन गया है। पता है यहाँ का गांव का कल्चर लोग देखना चाहते हैं, काफ़ी चेंज भी हो गया, मतलब गांव भी हो गया। ये देखा जाए तो गांव भी अब भी गांव है और कस्बा भी हो गया है। देखिए आप अंदर चले जाएं कहीं रास्ता वगैरह व्यवस्था नहीं। हाँ, ये तो बात सही है। जैसे ये सब रास्ता वास्ता निकल गया। हाँ, तो हम लोगों की जमीन बस यही तो हम देखे हैं, यही तो बना है परिवार से। हाँ, देख रहे हैं वहाँ एक हमारे परिवार के लिए मकान। अच्छा, हाँ, जिसमें मतलब रहते थे सब लोग परिवार। अच्छा अच्छा, अब उन लोगों के लिए सबके लिए रास्ता हो गया हम लोगों। हाँ, लेकिन अंदर कोई भी ऐसा रोड खड़ंजा डंजा नहीं लगा है, बस इसी तरीके से। दरअसल ऐसा है ना, कोई जमीन नहीं देना चाहता। अच्छा अच्छा, हाँ, रास्ता सबको चाहिए लेकिन जमीन ना जाए। गांव में देखे अभी भी सड़कें नहीं है एक दूसरे के बीच में। गांव में सड़कों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाकी हर चीज का हुआ है। हाँ, नहीं कहीं कहीं लोग हो गए इससे भी। हाँ, जब देख रहे हैं ना। हाँ, ये सब जमीन जो है हम लोगों की जमीन। अच्छा, हमारे चाचा हैं ये जो है कमला सिंह, उन्हीं की देन है, एक बन गया रास्ता अपना। हां, उनके बनाने में कोई दिक्कत नहीं। उनके लड़के भी वहां बॉम्बे में रहते हैं, सीधे हम लोग तो। अच्छा अच्छा, सो गाइज, आप देख लीजिए ये है घर अंदर का, और ये है एंट्री गेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्री राम जनक सिंह जी हैं उनके बेटे जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए अंदर का व्यू, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब एंट्री मिल गई हम लोगों को, और हमारे लिए चाय पानी नाश्ता भी आ रहा है। ये देखिए कुर्सियाँ भी आ रही हैं बैठने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो एक रूम बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत, इधर से आप छत पे जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, घर हो तो ऐसा।
अच्छा जमाने में किसी के पास टीवी भी होती नहीं थी तब शायद रेडियो 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 में सुनते थे ना रेडियो लाइट की व्यवस्था ना कुछ वीसीआर वाला सिस्टम नहीं था सब सब कुछ नहीं था वो गांव वाले फिर तब देख पाए वो मूवी अच्छा सर आपने आपने पढ़ाई यहीं से की है अच्छा आपका जन्म कहाँ पे हुआ था बॉम्बे में हुआ था अच्छा पाँच साल के थे तब से जब मतलब जब पाँच साल के थे तब से यहाँ पे हैं अच्छा हम सोचे कि पाँच साल से यहाँ पे रह रहे हैं पाँच साल की उम्र थी उम्र से रह रहे हैं यहाँ पे हम सोचे थे यहाँ पे साल वही तो हम पाँच साल यही समझ रहे थे उम्र से थे अच्छा 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 पाँच साल से जॉब करे तब से यहाँ पे रहे भी नहीं अच्छा अच्छा बीएससी किया अपना अच्छा अच्छा बीएड किए उसके बाद सरकारी अभी तो आपकी यही पोस्टिंग होगी अच्छा मुफ्तीगंज ये ब्लॉक है ना अच्छा अच्छा सही है आपके एरिया में ही है बढ़िया आप कभी इधर हमारे साइड आए हैं लखनऊ की तरफ बहुत बार जाना होगा अच्छा अच्छा हमारा तो जानते होंगे काकोरी काकोरी पढ़ा तो होगा काकोरी कांड ट्रेन लूटी गई थी आक्रांतकारियों ने ट्रेन लूटी थी वो हमारे यहाँ ही है हमारे गांव से बस 1 किलोमीटर बचे दूरी पे अरे भाई हमारे यहाँ परिवार से हमारे बड़े पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे अच्छा और यहाँ के काफ़ी दादा लोग हैं जो फिल्मों में और भी मतलब लाइटिंग वाला किसी ने काम किया किसी ने सेट उधर उधर बता रहे थे एक लोग दादाजी हैं वो बता रहे थे लाइट वुड में कोई वर्कर काम नहीं किया अच्छा कोई काम किया तो आए थे कर्मचारी क्योंकि वो मुंबई में रहकर किया है नहीं अच्छा कहाँ काम किया बता रहे थे ना वो वाले दादाजी कह रहे थे मुंबई जाकर कभी काम हम किए होंगे लाइट वाइट का डीओपी वगैरह का ना किसी का लाइट वाइट दिखाते होंगे काम किए तो आप लोगों ने देखा कि फाइनली हम श्री राम जनक सिंह जी के घर में गए थे और वहाँ पे चाय भी पी अनुज भाई कैसा लगा आपको भाई चाय बहुत मीठी थी चाय बहुत मीठी थी अच्छे लोग थे बढ़िया मतलब गजब भाई एकदम मजा आ गया कहते मतलब ना सोच लो इतना बड़ा आदमी होके मुंबई से हमसे बात करेगा इधर से निकलते हैं इधर घमंड नाम की चीज इस गांव में है ही नहीं इतने बड़े मुंबई में वो हैं ठीक है बिजनेसमैन ही कह लो और राम जनक सिंह जी के पुत्र हैं उनके उनका नंबर हम लोगों के पास है हम लोग बात करते हैं उनसे जब वो आएंगे तब उनसे मिलेंगे मिलेंगे जरूर अच्छा था उनके सपोर्ट से हम लोग घर पे जा सके और अगर चाहते तो भैया जी का भी नंबर ले लेते लेकिन लिया नहीं और घर में भी मतलब पूछा कि घर में वीडियो बना सकते हैं सर तो मतलब कोई ये भी नहीं एक बार भी सोचना नहीं बना लो बना ले यार मतलब हाँ ये चीज़ तो है कई कई जगह गए यार भोजपुरी एक्टरों के घर बाहर भोजपुरी एक्टर क्या करोगे बना के ये बोलेंगे ये बोलेंगे क्या करोगे बना के बहुत लोग बना लेंगे क्या करोगे इंटरव्यू लेके ये बना ये सब मतलब बातें अच्छी नहीं लगती ना बॉलीवुड में है ना कोई मतलब घमंड नहीं है तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों की डिमांड थी कि अंदर का वीडियो बनाइए तो बना दिया खुश अब लाइक भी कर दो कमेंट भी कर दो चैनल पे पहले मेरे ये वीडियो आ जाएगा सब्सक्राइब भी कर दो भैया के अभी भी वीडियो आएगा अनुज क्रॉप्स नाम से यूट्यूब चैनल है उस पे भी वीडियो सारे के सारे आएंगे ओके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है गले में और सुबह से बोल रहा हूँ सुबह से बोल रहा हूँ ना और अभी हमें जाना है पैदल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके घर जाना है भाई साहब गजब देख लीजिए ये है शाम का नज़ारा गोमती नदी पर का 6 बजा हुआ है अभी और देखिए